गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलगी के कुछ वो पार्ट जो कि हमारे बचे हुए थे। हमने पिछला क्लास में प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था और हमने प्लांट किंगडम का एक ओवरव्यू, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था ना। हमने अलगी भी स्टार्ट कर दिया था और अलगी के इंट्रोडक्शन पार्ट्स और उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में हैबिटेट वोबिटेट सब पढ़ लिया था हमने। आज जो हमें अलगी का रिमेनिंग पार्ट पढ़ना है वो हमें एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अलगी और उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन अलगी, उसके बाद हमें पढ़ने क्लासेस ऑफ अलगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ अलगी। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जो अलग अलग स्पीसीज है ना वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड और मेडिसिन, हम बोल सकते हैं उसका यूज हमें देखने को मिलता है। अगर मैं अलगी की बात करूं तो अलगी के मेंबर्स जो होते हैं, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जितना भी अर्थ पर है उसका हाफ का जो फिक्सेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, वो अलगी के मेंबर्स होते हैं। समझ में आई बात। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा तो उसके उसके बदले में क्या करेगा भाई, डिजोल्व ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा ना, डिजोल्व ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। समझ में आई बात। तो कितना बड़ा फायदा दिया हम, हमारे लिए बेनिफिट। और बहुत सारे अलगी तो ऐसे हैं, 70% अलगी हैं जो कि एज अ फूड यूज होते हैं। 70% अलगी जो है वो एज अ फूड यूज किए जाते हैं। जैसे लैमिनेरिया की बात करें, सार्गेसम की बात करें, है ना, एटीसी, ये सब क्या है, एडेबल अलगी हैं। क्या है, एडेबल अलगी। समझ में आई बात। अब मैं अलगी से बहुत सारे प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, जैसे मैं अल्जिन की बात करूं, जैसे मैं अगर की बात करूं, अगर जो है वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, अल्जिन जो है वो ब्राउन अलगी से हमें देखने को मिलता है, तो अगर आइसक्रीम और माइक्रोब्स ग्रो करने में काम आते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात। तो ये जो अल्जिन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन अगर हम अलगी में देखेंगे मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया ना भाई, हमें ये चीज डिस्कस करना है। जैसे कि फूड सप्लीमेंट भी स्पेस ट्रेवलर से भी यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे अलगी हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो देखना ही देखना है। अभी सारी चीज मैं पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लासेस ऑफ अलगी पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है अलगी में वो तीनों मेथड से होते हैं, वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव नॉर्मली जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, एसेक्सुअल नॉर्मली जो होगा वो जूस्पोर और एपलेनोस्पोर के थ्रू होगा, और सेक्सुअल नॉर्मली जो होगा वो आइसोगेमस और एनआइसोगेमस के थ्रू होगा और ऊगेमस के थ्रू होगा। समझ में आई बात। फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, जूस्पोर और एपलेनोस्पोर में फर्क क्या है कि जूस्पोर में फ्लैजिला होता है और एपलेनोस्पोर में फ्लैजिला नहीं होता। जिसमें जूस्पोर होता है उसको जूस्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसमें एपलेनोस्पोर होता है उसको एपलेनोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर है। आइसोगेमस के केस में क्या होता है कि भाई गैमेट सिमिलर हो, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड हों, या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हों, या तो दोनों मोटाइल हों, या दोनों नॉन मोटाइल हों, शेप एंड साइज हर चीज में सेम हो। एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट हो, किसी के पास फ्लैजिला किसी के पास नहीं, कोई साइज बड़ा कोई छोटा, इस टाइप से। ऊगेमस में क्या होता है कि इस केस में फीमेल गैमेट जो होता है वो उसके नंबर्स कम होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो लार्ज होते हैं, और मेल गैमेट जो होता है उसके नंबर्स ज्यादा होते हैं और मोटाइल होते हैं। समझ में, वो छोटे छोटे स्मॉल होते हैं। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासेस ऑफ अलगी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लोरोफायसी, फियोफायसी, रोडोफायसी। भाई क्लोरोफायसी, फियोफायसी, रोडोफायसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, क्लेमाडोमोनस हो गया क्लोरोफायसी में, क्लेमाडोमोनस हो गया, चारा हो गया, वॉलवैक्स हो गया, है ना, और क्या बोल सकते हैं, बोलिए, क्लेमाडोमोनस, चारा, वॉलवैक्स, ये सब हो गया।
स्पायर वगैरह हो गया। और इसकी अगर मैं बात करूँ फियोफाइस की, अगर मैं डिक्टोएटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, है ना, सरगसम हो गया, ये सब। और रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे उसमें हम पोरफायरा बोल सकते हैं, पोरफायरा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और उसका पॉलीसिफोनिया उसका एग्जाम्पल है। और बोलिए ज़रा उसमें क्या क्या आ जाएगा, जेलिडियम आ जाएगा, ग्रेसिलेरिया आ जाएगा, ये सब एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब अभी मैं लिखने वाला हूँ सारा का सारा। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है आपको याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से, और सारे डिफरेंसेस को मैं बताऊँगा किस में फूड स्टोर है, जो लेमिनर में है, मैनिटॉल में है, किस में स्टार्च की फॉर्म में, किसका सेलुलोज है, किसका सेलुलोजिक नहीं है, किस में पेक्टोज प्रेजेंट है, किस में, तो किस में है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहला हेडिंग डालते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। क्या हेडिंग होगा बोलिए, हे बच्चों बोलो ना जरा, क्या हेडिंग होगा हमारा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जितने एल्गल स्पेसीज हैं वो सब के सब यूज़ होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो मैं लिख देता हूँ एल्गल स्पेसीज, सारा पॉइंट मैं पहले मेंशन कर दूँ, लेसन नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी भाई इसको हल्के में ना लें, एल्गी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है एल्गी के, है ना। तो हम लोग अगर एल्गी की बात करें तो एल्गल स्पेसीज जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड और मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो कौन करता है, एल्गी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरीड आउट बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वाटिक अमाउंट में, एक्वाटिक हैबिटेट में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो वही चीज है, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड O2 इन एक्वाटिक हैबिटेट इंक्रीजेस। समझ में आई बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 70% ऑफ मैरीन एल्गी, 70% ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये सब के सब क्या है, एडिबल एल्गी है, ठीक है। तो 70% स्पेसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। अब अगर अगर एक हम बात करें, अगर अगर क्या होता है, अगर अगर एल्जीन, कैरागीन, कोलेरा, स्पायरुलिना, ये सब क्या होता है, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले तो वो प्रोड्यूस ऑब्टेन कहाँ से हुआ और उसका यूज़ क्या, दोनों चीज़। जैसे अगर अगर की मैं बात करूँ तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्रोड्यूस्ड होते हैं अगर अगर, इसका यूज़ क्या है कि भाई माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम बनाने में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, ये हमें काम आता है, कौन, अगर अगर। अगर मैं एल्जिन की बात करूं तो एल्जिन ऑब्टेंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, इसका जो यूज होता है वो कौन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर कैराजिन की अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस यानी रेड एल्गी, और क्लोरेला की अगर मैं बात करूं और स्पायरुलिना की बात करूं तो ये यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना, हाईली अमाउंट में, और इसका यूज जो होता है फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं, इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स भी इसका यूज होता है, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो एज अ फूड सप्लीमेंट इसे यूज करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में, कि भाई एल्गी जो है वो मेडिसिन और फूड में यूज होते हैं। फिर हमने बोला कि भाई जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ पर उसमें से हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वो एल्गी के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बदले में वो डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्वाटिक हैबिटेट में रिलीज करता है। नेक्स्ट हमने बोला कि 70% मैरीन एल्गी जो होते हैं यूज्ड एज फूड, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम। अगर अगर की बात करी मैंने, एल्जिन की बात की, रिकेराजिन, कोलेरेला और
क्लोरेला और स्पायरुलिना। अगर अगर जो ये प्रोड्यूस्ड होता है, ये सब्सटेंसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसका काम क्या होता है कि माइक्रोब से वो ग्रो कराने में और आइसक्रीम और जेली का प्रिपरेशन करने में ये यूज़ होता है। एल्जिन की बात की हमने, ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होते हैं। इसका काम क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। केराजीन जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से बोलिए जरा, कॉन्डस यानी रेड एल्गी से। कोलेरेला और स्पायरुलिना की बात करें तो ये यूनिसेलुलर की है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इवन स्पेस ट्रेवलर्स भी। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तीनों टाइप के, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव वही फ्रेगमेंटेशन वाला, असेक्सुअल वही जू स्पोर के थ्रू और इन रेयर केस एपलेनोस्पोर भी इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल वही उगेमी वाला जो एनासोगेमस आइसोगेमस उगेमी वाला प्रोसेस है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो आइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन, कोई पार्ट फ्रेगमेंट हुआ और वहाँ से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय स्पोर फॉर्मेशन, नॉर्मली इसमें जू स्पोर स्पोर। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में जू स्पोर्स प्रेजेंट है। जू स्पोर की निशानी यह है कि उसमें भाई फ्लैजिला होते हैं, ये स्पोर है, इसमें फ्लैजिला, ये स्पोर है, दे हैव फ्लैजिला, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर। तो जू स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है हमारा, जू स्पोर है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। समझ रहे, इन रेयर केयर एपलेनोस्पोर। एपलेनोस्पोर और जू स्पोर में क्या फर्क होता है कि जैसे ये मान लीजिए जू स्पोर है और एपलेनोस्पोर ऐसा होता है, एपलेनोस्पोर में फ्लैजिला अब्सेंट होता है। अब एपलेनोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में रहता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपलेनो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो एसेक्सुअल तो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की अगर हम बात करें तो बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब वो गैमेट एसोगेमी कंडीशन में भी हो सकता है, एनासोगेमस कंडीशन में भी हो सकता है, ओगेमस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर एसोगेमस कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों गैमेट जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों के दोनों गैमेट भी सिमिलर हैं, ये फीमेल हो तो ये मेल, दोनों गैमेट सिमिलर इन शेप एंड साइज हर एक चीज में। समझ में आई बात। एनाइसोगेमस की बात की तो मतलब डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, डिसिमिलर है एक दूसरे से। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है तो डिसिमिलर है। अगर मैं ओगेमस की अगर मैं बात करूं, ओगेमस कंडीशन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में, तो मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब इसके पास फ्लैजिला होता है और ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, और इसके नंबर से बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन उसी केस में अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं तो ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है फीमेल गैमेट में। थोड़ा इसे बताता हूँ, फीमेल गैमेट देखिए बड़ा है, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इसके अमाउंट कम होते हैं। इसके चारों तरफ छोटे छोटे मोटाइल मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो वही रिप्रोडक्शन तो हम लोग इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो होगा हमारा क्लासेस ऑफ एल्गी। क्या पढ़ेंगे अब, क्लासेस ऑफ एल्गी। पिछला क्लास में हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, पूरा एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, इसके हैबिटेट भी हमने डिस्कस कर लिया था, सब साइंटिस्ट सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। दो पार्ट हमारा बचा हुआ था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और रिप्रोडक्शन, वो मैंने आज समझा दिया। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, सबको मैं अभी मेंशन करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट भी करने हैं, और जितनी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा बस उतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा हेडिंग क्या होगा, क्लासेस ऑफ एल्गी। क्या हेडिंग होगा हमारा,
क्लासेस ऑफ एल्गी। कितने क्लासेस हैं एल्गी के? तीन। कितने क्लास हैं एल्गी के? कोशिश में कह रहा हूं कि सबको एक ही बोर्ड में मेंशन कर दूं, ठीक है? तो कितने? थ्री क्लासेस। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा थियोफाइसी, ईटीसी, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, क्लासेस ऑफ अलगी, यानी तीनों क्लास। डरना नहीं है कि सारी चीज कैसे लिख दिया सर ने, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं जानता हूं, ठीक है? बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं यार। मैं चाहता हूं कि ना सब एक जगह आ जाए, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में काफी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी, काफी इजी लगे, ठीक है? ताकि कंपेयर करके भी आप पढ़ सके। अब मैं चाहता एक पेज में क्लोरोफाइसी पढ़ा देता, एक पेज में फियोफाइसी, एक पेज में रोडोफाइसी, थोड़ा ये गड़बड़ हो जाता। मैं भी कहूंगा आप अपनी कॉपी को ऐसे हॉरिजॉन्टली कर लें और उसका एक तरफ लिख लें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, फिर सबके नीचे कंपेयर करके बेहतरीन से पॉइंट बना लें, ताकि आपको जब रिविजन मारे कभी तो बिल्कुल नजर के सामने झलक जाए। तो वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एल्गी की क्लासेस को डिस्कस करना है। हम देखेंगे क्या, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी को हम अभी बस थोड़ा सा कॉमन पॉइंट बताया हमने रोडोफाइसी के बारे में, जगह नहीं थी हमारे पास। जब हम क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी को डिस्कस कर लेंगे, फिर जाकर के हम लास्ट में रोडोफाइसी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन एल्गी, ठीक है? क्लोरोफिल जो इसमें प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है, यहां पे लिख लें कहीं पे कैरोटीन, ठीक है? अब फूड स्टोर की अगर हम बात करें तो फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा? क्लोरोफाइसी में, स्टार्च के फॉर्म में। और कुछ मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं। सेल वॉल जो होता है नॉर्मली सेलुलोज का बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये क्लोरोफाइसी है सपोज डेट, तो ये जो सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आउटर लेयर जो है ना वो सेलुलोज का बना होता है, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, और जो इसका इनर लेयर है ना वो पेक्टोज का बना होता है। समझ में आई बात? तो सेलुलोज और पेक्टोज दोनों का बना हुआ होता है। तो इसीलिए नॉर्मली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जो कि एनसीईआरटी के चार्ट में भी दिया हुआ है, तो सेल वॉल किस चीज का? सेलुलोज का। इसलिए सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। फ्लैजिला की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैजिला 2 से 8 होता है और अनइक्वल होता है और एपिकल होता है। उसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे मैंने ये क्लोरोफाइसी का डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है? एपेक्स वाला पार्ट इसका एपिकल ये है, यहां पर होता है कितने, 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, 2 से 8, 4-5 भी मैं कर सकता हूँ, 6 भी मैं कर सकता हूँ। तो सबके साइज क्या है? इक्वल है। और एपिकल है मतलब एपिकल में लेटरली नहीं है, ये लेटरली पोर्शन है और ये एपिकल वाला पोर्शन है। तो एपिकल प्रेजेंट है 2 से 8 और इक्वल, सब इक्वल है, ठीक है? एपिकल। हैबिटेट की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मतलब एक्वाटिक हैबिटेट में, नॉर्मली कैसा भी एक्वाटिक हैबिटेट हो वहां पर ये एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है? अब एक चीज मैं बता दूं, किस फॉर्म में होते हैं भाई, यूनिसेलुलर भी और कॉलोनियल फॉर्म में भी। अब इसका जो सेलवाल है वो रिजिड सेलवाल होता है, रिजिड सेलवाल, इसीलिए ये थोड़ा सा टेम्परेचर और वहां के क्लाइमेट को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। इसके पास रिजिड सेलवाल होता है, तो रिजिड सेलवाल में आउटर लेयर वो किस चीज का बना हुआ, सेलुलोज, है ना? आपको देखने में कचरा लग रहा था लेकिन अब नहीं लगेगा। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज, आउटर लेयर। और इनर लेयर किस चीज का बना हुआ है? पेक्टोज। क्लियर है? अच्छा,
इसके अंदर आपने बोला क्या पिगमेंट प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है पिगमेंट कहां प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में होगा कि नहीं होगा पिगमेंट, बिल्कुल। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, तो इसके वेरियस टाइप्स ऑफ शेप होते हैं, जैसे डिस्कॉइड शेप, कप शेप्ड शेप, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, स्पायरल, रिबन लाइक, ईटीसी, है ना, बहुत टाइप के इसमें पाए जाते हैं। एक और लिख लीजिए, रिबन लाइक, ठीक है। तो ऐसे उसे होते हैं। एक चीज एनसीईआरटी में है, व्हाट इज पेरिनॉइड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, उसमें एक बॉडी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरिनॉइड बोलते हैं। पेरिनॉइड उसको बोलते हैं जिसके पास एक से ज्यादा, मोर देन वन स्टोरेज बॉडी हो, मोर देन वन स्टोरेज बॉडी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनॉइड। अरे बोलो यार, क्या बोलते हैं, पेरिनॉइड। आज के बाद नहीं सुन रहे, पेरिनॉइड क्या है, कोई भी रॉट नहीं होने का, क्या है, जो एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी हो उसे हम पेरिनॉइड बोलते हैं। तो कंटेंस प्रोटीन एंड बिसाइड्स स्टार्च, प्रोटीन भी और स्टार्च भी। जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है खूबसूरत सा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, स्टार्च सीट है, स्टार्च सीट के अंदर में भी आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो क्या एक स्ट्रक्चर में आपको दो क्या दिख गए, बोलिए जरा, स्टोरेज बॉडी, इसीलिए हम इसको पेरिनॉइड बोलेंगे। समझ में आई बात। एक चीज और आते हैं, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन मैं शॉर्ट में लिखा हूं, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव के थ्रू भी होगा, रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल के थ्रू भी होगा, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली भी होगा। अगर वेजिटेटिव होगा तो थैलस क्या होगा बच्चों, फ्रेगमेंट कर जाएगा, ये फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, तो थैलस फ्रेगमेंट करेगा, यानी बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सब साथ साथ नोट करके चले, थैलस कैसा होगा, बाय फ्रेगमेंट, थैलस इसमें फ्रेगमेंट होगा, तो इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, भाई जू स्पोर के थ्रू होगा, कैसे होगा, जू स्पोर के थ्रू होगा। अब जू स्पोर्स में मैं बता चुका हूं कि एक स्पोर है, उसके अंदर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो जू स्पोर है, क्योंकि जू का मतलब ही हम लोग क्या, फ्लैजिला लेते हैं ना, मोटाइल लेते हैं, तो इसीलिए जू स्पोर के थ्रू होगा, तो ये मोटाइल भी होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली में तीनों मेथड हो सकते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, तीनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आइसोगेमस में हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा, आइसोगेमस में बोलिए क्या पढ़ा था, गैमेट सिमिलर हो, एनाइसोगेमस में गैमेट डिसिमिलर हो, और ओगेमस में क्या पढ़ा था हमने, फीमेल गैमेट बड़ा हो और उसके नंबर ऑफ गैमेट्स कम हो और वो नॉन मोटाइल हो, और मेल गैमेट छोटे छोटे हो, उसके नंबर ज्यादा हो और वो मोटाइल हो, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी, तो हमने देख लिया क्लोरोफायसी के बारे में। क्लोरोफायसी का जो एग्जांपल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, चारा, यूलोथेरिक्स एंड स्पायरोवेरा, ये चारों के चारों, पांचों के पांचों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। क्लेमाइडोमोनस एक, वॉलवॉक्स दो, और चारा तीन, और यूलोथेरिक्स चार, और स्पायरोवेरा पांच। जुबान पर होनी चाहिए, बहुत जल्दी भूल जाएंगे आप, इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपसे अगर मैं कभी नींद में भी आपसे कोई पूछे क्लोरोफायसी का एग्जांपल बता, तो आप सीधा क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूरोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स, चारा और एस्पायर वगैरह, फटाफट। अब अगर फियोफायसी की अगर मैं बात करूं, तो फियोफायसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, फियोफायसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल ए भी था, इसमें क्लोरोफिल सी, डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें ए सी प्रेजेंट होगा, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल प्रेजेंट होगा, यही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से ऑलिव ग्रीन और उसके बाद ब्राउन, है ना, यही पिगमेंट्स की वजह से, इसी पिगमेंट्स का अमाउंट ये चीज रेगुलेट करता है कि इसका कलर कैसा होना है। समझ में आई बात। अब फूड जो स्टोर है, फूड स्टोर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, मैनिटॉल एंड लेमिनरीन, मैनिटॉल और लेमिनरीन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल इसका सेलुलोज का बना होता है, और इस सेल वॉल के ऊपर में, जैसे ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल के ऊपर में एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग जिलेटेनियस शीट बोलते हैं या जिलेटेनियस कॉट बोलते हैं। ये जिलेटेनियस कॉट जो है, जीसी मतलब जिलेटेनियस कॉट जो है, ये एल्जिन का बना होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका जो सेल वॉल मेडअप होता है वो सेलुलोज का होता है और एल्जिन का होता है। सेलुलोज का तो सेल वॉल बना हुआ है, सेल वॉल के ऊपर में जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है जिलेटेनियस कॉटिंग, आउटसाइड में जो प्रेजेंट है वो एल्जिन का होता है।
समझ में आई बात? सारी चीजें अगर समझ में नहीं आए तो अपनी जुबान में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली चांसेस होते हैं क्लासेस ऑफ अलगी से क्वेश्चन आने के, चाहे वो आपके मेडिकल हो, चाहे वो आपके इलेवंथ का एग्जाम हो, ठीक है। फ्लैजिला की बात करें तो बच्चों इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है सिर्फ दो, और वो भी होता है अनइक्वल, दो होता है वो भी अनइक्वल, और लेटरली प्रेजेंट होता है। लेटरली का क्या मतलब है? लेटरली का मतलब ये है कि जैसे ये देखो है ना, तो ये वाला तो एपिकल पोर्शन हो गया, ये लेटरली पोर्शन हो गया, तो लेटरली होगा और दो ही होगा, कितने होंगे दो, और अनइक्वल होंगे, एक बड़ा तो एक छोटा, समझ में? लेटरली प्रेजेंट होगा। अब इसकी हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर, रेयर ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, इतनी चीजें क्लियर है। इसका जो प्लांट बॉडी है मेरे बच्चों, प्लांट बॉडी है इसका वो सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, आप लोग देखे भी होंगे यार जो ग्रासेस होते हैं ना उसमें आप देखे होंगे सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। एग्जांपल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस प्लांट बॉडी जो है फियोफाइसी में, वो कौन है? एक्टोकार्पस। वो कौन है? एक्टोकार्पस। वो कौन है? एक्टोकार्पस। अगर मैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड की बात करूं मेरे बच्चों, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली का मतलब क्या? मिला हुआ, ऐसे वैसे निकला हुआ ना, जैसे ये देखो ये निकाल दिया मैंने, ऐसे ही प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जैसे ये देखो 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 है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, इस टाइप से प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा केल्प्स, क्या है एग्जाम्पल इसका? केल्प्स यानी रीच हाइट ऑफ 100 meters, इसकी हाइट कहाँ तक? 100 meter तक पहुँच सकती है। तो ये चीजें हमने इसमें देखी, बिल्कुल देखी है। अब मैं अगर एक प्लांट बॉडी को लूं, एक प्लांट बॉडी जो कि आपके एनसीईआरटी में सारे डायग्राम दिए हुए हैं, एक प्लांट बॉडी को लिया, उसमें हमें इतने तीन पार्ट दिखते हैं, एक होल्ड फास्ट जो कि जमीन से, लैंड से, जो सॉयल से यानी अटैच करता है उसको बोलते हैं क्या? होल्ड फास्ट, प्लांट बॉडी को जो अटैच करेगा सबस्ट्रेटम पे। तो बाय विच प्लांट बॉडी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, क्लियर है? एक इस टाइप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस टाइप क्या है भाई? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर प्लांट बॉडी स्टैंड करता है। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हालांकि लीफ है नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। क्या बोलते हैं इसे? फ्रॉन्ट। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यही है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यही क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो इतनी चीजें आपको इसमें क्लियर है, जितनी चीजें मैंने बता दी सब क्लियर है। अब मेरे बच्चों हम एक चीज पर आते हैं, रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी। रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी में सेम चीज, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, एसेक्सुअल भी पाया जाएगा, सेक्सुअल भी पाया जाएगा। वेजिटेटिव वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जो इसका बॉडी पार्ट है उसका जो फ्रेगमेंट करेगा और फिर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एसेक्सुअल होगा बाय जूस्पोर, सेम चीज भाई, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दो फ्लैजिला, इसलिए मैंने बोला बाय फ्लैजिलेटेड। और ये जो जूस्पोर है इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? पियर शेप्ड। समझ में आई बात? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फियोफाइसी में, सेक्सुअल में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? आइसोगेमस भी यानी सिमिलर गैमेट हो, एनाइसोगेमस भी यानी डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ऊगेमस भी, वही केस ऊगेमस वाला, मेल पार्ट छोटा फ्लैजिलेटेड, नंबर्स ऑफ मेल गैमेट ज्यादा, और अगर फीमेल की बात करें तो बड़ा और नॉन फ्लैजिलेटेड और उसके नंबर कम। समझ में आई बात? तो ये जो ऊगेमस है, ये सारे प्रोसेस अगर ऊगोनियम के अंदर हुआ है ना, ये नॉर्मली अगर क्या होता ही है, ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं? ऊगोनियम में, विद इन ऊगोनियम। तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं ऊगेमस स्पेसीज। अगर आपसे कोई आप पूछ ले कि व्हाट इज ऊगेमस स्पेसीज, तो आप क्या बोलेंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है अगर वो ऊगोनियम में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊगेमस स्पेसीज। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ऊगेमस स्पेसीज। समझ में आई बात? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से इसी में नोट करना है। बिल्कुल, इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उसका आपने याद किया था। एग्जांपल क्या होगा? एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, ये पांच एग्जांपल यहां पे भी दिए हुए हैं। बिल्कुल फटाफट याद होना चाहिए, एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस और डिक्टोएटा, ये ऐसे बिल्कुल याद होने चाहिए। समझ में आई बात? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्लोरोफाइसी पढ़ लिया, फियोफाइसी पढ़ लिया। क्लोरोफाइसी की सारे करेक्टर्स हमने थोड़ा सा में ही पढ़ लिया,
बच्चों मैं लैंग्वेज नहीं लिखाया, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखाया, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पढ़ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जैसे याद करने का तरीका कलर ऑफ आईसी ग्रीन एलगी, फी ऑफ आईसी ब्राउन एलगी, रोड ऑफ आईसी रेड एलगी, कलर ऑफ आईसी क्लोरोफिल इसमें ए बी, जेंथोफिल कैरोटीन, और इसमें फी ऑफ आईसी में क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल, ठीक है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है, और फाइकोइरिथ्रीन, फाइकोइरिथ्रीन ये रेड पिगमेंट होता है, अभी इसको हम पढ़ाएंगे, पढ़ाए नहीं है, ठीक है, स्टोरेज बॉडी इसके बारे में, स्टोरेज बॉडी मैंने टेलोमेरिया इसके बारे में, उसके बाद फ्लोरिडिन, ऐसे ही इसमें जो फ्लैजिला होगा वो कैसे होगा, अनइक्वल होगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, फ्रेश वाटर हैबिटेट याद रखेंगे, फिर थोड़ा सा पेरिनॉइड, ये सब बहुत ईजी है, आप एक बार मुझसे पढ़ लिए ना, बस मेरे पढ़ाने के जस्ट बाद एक बार आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद एक सादा पेज लेना और ज़रा सा एक टीचर के अंदाज में क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी में ये फियोफाइसी में ये एक बार करके देखो, मज़ा आ जाएगा, समझ में आई बात बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं रोडोफाइसी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको रफ कर दूँ, बोलिए, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि मुझे रोडोफाइसी भी पढ़ाने हैं, तो चलिए मैं इसको रफ कर दूं। अब आइए रोडोफाइसी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मेरा बोर्ड छोटा था नहीं तो मैं उसको भी मेंशन ही कर देता, अभी मैं थोड़ा सा आपका लिखने में टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बच्चों। रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो रोडोफाइसी में हमने क्या देखा कि भाई रेड एलगी है, क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोरिथ्रीन प्रेजेंट होता है, फूड स्टोरेज जो होता है वो फ्लोरिडीन और स्टार्च के फॉर्म में है, और फ्लैजिला इसमें अब्सेंट है, फ्लैजिला की कोई बात ही नहीं है। अब मेरे बच्चों अगर रोडोफाइसी के हैबिटेट की बात करें, हम रोडोफाइसी के हैबिटेट की बात करें तो इसका जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा, हैबिटेट इसका हैबिटेट है भाई, एक तो मेरीन फॉर्म तो है ये सबके सब, ऑल टाइप्स ऑफ एक्वाटिक, लेकिन मैरीन में भी वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज, समझ में आई बात, वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं। बोलू अगर रोडोफाइसी रेड एलगी है तो रेड एलगी किस वजह से है, रेड एलगी जो है इसके पास एक पिगमेंट होता है वो है आर फाइको एरिथ्रीन, R5-coerythrin की वजह से इसके ये कैसे होते हैं देखने में, रेड होते हैं। अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं तो रोडोफाइसी जो होता है वो एक तो वेल लाइटेड रीजन में भी पाया जाता है और डेप्थ ऑफ ओशियंस जहां पर के बहुत लिटिल अमाउंट में लाइट पेनिट्रेट करता है वहां भी पाए जाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो फाउंड इन लाइटेड रीजन, सॉरी lighted region and even found in depth of great depths of oceans, ऐसे यानी ऐसे ऐसे condition में क्या होता है वहां पर light जो है वो लाइट पेनिट्रेट करता है वहां पर, सॉरी, ठीक है, ऐसे हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं। अब अगर मैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो भाई अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफाइसी में सबसे ज्यादा जो होता है, एक तो मल्टीसेल्यूलर तो है ही और इसके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट होता है, समझ में आई बात। अब मैं अगर इसके फूड स्टोरेज की बात करूं
फूड स्टोरेज, अरे बता रखा हूँ फूड स्टोरेज, फ्लोरिडिन और स्टार्च की फॉर्म में। तो आपको मैंने क्या बताया हुआ है कि फ्लोरिडिन और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये फ्लोरिडिन स्टार्च जो है, ये फ्लोरिडिन स्टार्च जो है ये स्ट्रक्चरल सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्लोरिडिन स्टार्च जो है स्ट्रक्चरल सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। समझ में आई बात? अब बच्चों मुझे पढ़ाना है, मैंने अभी तक क्या पढ़ा दिया कि भाई रोडोफाइसिन एलएलजी है, इसमें क्लोरोफिल क्या क्या प्रेजेंट होता है, ए और डी और आई को आर फाइकोरिथ्रीन, फ्लोरिडिन और स्टार्च के फॉर्म में, इसमें फूड स्टोर होता है, फ्लैजिला इसमें है ही नहीं। हैबिटेट की बात की हमने, मैरीन में मैरीन हैबिटेट है इसका, ना एक्वाटिक हैबिटेट है। और उसके बाद ये जो है इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं। समझ में आए बाप? अब मैंने फिर बात की कि भाई ये जो होते हैं ये फाउंड इन लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर लाइट आराम से पेनिट्रेट कर जाए, और ऐसे रीजन भी पाए जाते हैं जहाँ पर जो कि डेप्थ ऑफ ओशियंस हैं, जो बहुत ओशियन का नीचाई एरिया है, जहाँ पर लाइट बहुत कम अमाउंट में पेनिट्रेट करता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके बॉडी की अगर मैंने बात की, बॉडी इसके पास कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आई बात? फिर मैंने इसकी बात की कि फ्लोरिडिन स्टार जो है ये स्ट्रक्चरल सिमिलर है किसके, अमाइलोपेक्टिन ऑन ग्लाइकोजन। अब मैं इसकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं, इसके रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, तो रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी में ये चीज आप देखिए, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही बाय फ्रेगमेंटेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बाय नॉन मोटाइल स्पोर। अरे याद कीजिए, अभी अभी मैंने बताया जो नॉन मोटाइल स्पोर है वो कौन है, एपलेनोस्पोर। एपलेनोस्पोर मैंने बोला था ना, उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है वो एपलेनोस्पोरेंजियम होता है, बीच में क्या प्रेजेंट है, ये एपलेनोस्पोर है, एपलेनोस्पोर। और ये क्या है, यहां पर लिखा हुआ ना, एपलेनोस्पोरेंजियम, एपलेनोस्पोरेंजियम। समझ में आई बात? अब बच्चों अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो मेथड से होगा, एक तो नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट अभी मैं बोला ना, आइसोगैमस में ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हो, ठीक है। और दूसरी की अगर मैं बात करूं तो ऊगेमस में याद कीजिए क्या था, ऊगेमस में था कि भाई फीमेल गैमेट वो क्या था, बड़ा था और नॉन मोटाइल था और इसके कम नंबर थे, और जो मेल गैमेट ये क्या था, छोटा था और इसके नंबर से ज्यादा थे और ये फ्लैजिलेट थे, तो इसका मतलब ये मोटाइल थे, तो इस कंडीशन में होगा। जब ये इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब ये फ्यूज करता है, समझ में आई बात, इसमें यूं बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये चीजें याद रखिएगा। क्या बता दिया मैंने रिप्रोडक्शन में, कि भाई रिप्रोडक्शन जो होगा रेडलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल भी होगा लेकिन नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू, जूस्पोर के थ्रू नहीं, मतलब एपलोनोस्पोर के थ्रू। फिर मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नॉन मोटाइल गैमेट यानी आइसोगैमस की बात की हमने, नॉन मोटाइल गैमेट से इसमें होगा, और ऊगेमस के थ्रू भी होगा,
तो ऊ गैमस की केस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसके नंबर्स कम होते हैं, और मेल गैमेट बड़ा होता है और इसके ये मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और इसके नंबर से ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होंगे वो इसमें कम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए, हमने आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया बोलिए ज़रा। हमने आज आते ही हमने आज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखा, हमने आज रिप्रोडक्शन इन अल्गी एक ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने सबको सेपरेट करके पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सबको सेपरेट करके बाद बहुत अच्छे अच्छे मेन मेन पॉइंट हमने सारा का सारा डिस्कस किया है। लास्ट में हमने जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था हमारा रेड एल्गी का, हमने वो भी पढ़ लिया है। रेड एल्गी का एग्जाम्पल्स हमने नहीं लिखाया, लिखो 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 फटाफट लिखो फटाफट लिखो यार रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स। भाई साहब एग्जाम्पल कैसे छोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे पॉलीसिफोनिया, एग्जाम्पल किसके भाई रेड एल्गी के, इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसका नहीं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा,